और अब है बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, मिकास। हाँ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आया। कौन था ये? अच्छा जी, हेलो 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 जी, कौन? बोल सर, हेलो मेरा नाम अंजलि है। अंजलि अंजलि। अंजलि कहाँ से है अंजलि? सर, मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से हैं। अच्छा इत्तेफाक आप से अभी आएंगे तक दिल्ली जितने में? भी कॉलर आए हैं मेरे वो इंडिया से ही हैं अभी अभी तक। आज मोस्टली यही होता है, मैं जब भी रैंडमली क्लिक करता हूँ तो वो इंडिया से निकलते हैं। तो सब मैं कहते हैं मतलब कि शायद मैं बहुत जान के इंडिया ज्यादा से ज्यादा अपने फैंस लेता हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। ये मैं बहुत जस्ट घबरा रही हूँ, कोइंसिडेंस। बहुत नहीं ज्यादा नहीं आप घबरा घबरा रही क्यों हूँ रही हैं? नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल क्योंकि आम इंसान हूँ और आप जैसे ही हैं। मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेस में सिर्फ आपकी फैन हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैन। रियली, सिर्फ, हाँ दैट्स जी, सो मैं काइंड मैंने ऑफ यू। जितने और वाह, भी सिर्फ बड़े अच्छे आपकी एक्टर्स वजह हैं से, हमारे। सिर्फ आपकी वजह से ही मैंने पाकिस्तानी शोज देखे। अरे वाह, जबरदस्त। चलें, ये तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप और पाकिस्तानी ड्रामे दूसरी देखती हैं, एक और लेकिन आप चीज, हमारे बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स और भी हैं। मैं आपको लंबी लिस्ट बताऊंगा, उन सबको आप देखें, आप बड़ी खुश हो जाएंगी उनको देख के। मैं तो कुछ भी और नहीं हूँ। एक और बात बता दूं, आपका जो शो था ना, जो तू चाहे, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मैं गॉड में बिलीव नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती। और आपके उस शो के बाद मैंने गॉड में बिलीव कर रखना स्टार्ट किया। हाँ जी, अच्छा चलिए, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड एंड दैट इवन टू स्पेशली आफ्टर मैंने, वॉचिंग माई प्ले, बट चलो, वी मेड अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर बिलीव। बड़ी खुशी की बात है ये तो, लेकिन गॉड पे बिलीव कीजिए, इसलिए कि इस पर बड़ी लंबी क्योंकि बहस है, हम आपको आराम आप से डिस्कशन करेंगे गॉड कभी। की गॉड जी वगैरह कुछ नहीं होते, पेरेंट्स होते हैं जो होते हैं। ऐसे नहीं, मेरा थॉट ये था कि पेरेंट्स होते हैं जो होते हैं, बाकी गॉड पेरेंट्स को जी भी तो वगैरह किसी, कुछ नहीं। पेरेंट्स भी तो किसी ने बनाए ना। पेरेंट्स को कौन, उनको पेरेंट्स नानी कहाँ नाना से? ने वो बोला, उनको नानी नानी नाना नाना किसे ने बनाया? ये चेन कहाँ जाके खत्म उनके हुई? नहीं, लॉजिकली आप सोचें नानी तो हर चीज का एक स्टार्ट होता है ना, हर चीज का स्टार्ट है, हर चीज का स्टार्ट है। कहाँ ये मैं, चेन पता है जाके खत्म आपको इतने होगी? टाइम से इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी है, मैं हर बार भेजती हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं इतने सारे मैसेजेस इस पे लाइव पे आती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, जबकि मैं रात को लाइट ऑफ रहता है, बट मैंने अभी देखा इसलिए फिर लाइट ऑन किया। और मैं वैसे लेटी हुई थी, मैं लेटे लेटे से दूसरे रूम में आके बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रूम में लाइट ऑफ है। अच्छा, देखें, मैं आपको आपकी पिछली बात से जो पूरा सिस्टम, आपकी आप एक छोटे से आप एक घर का भी जो सिस्टम होता है ना, अगर वो कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आपकी बॉडी का जरा सा कोई सिस्टम ऊपर नीचे हो जाए, आपकी सांस रुक जाए, या आपका खुदा ना खास्ता है कोई ऐसी चीज, तो आप पूरा हर चीज ऊपर नीचे हो जाती है। ये पूरा जो सिस्टम है, आप एक छोटे से छोटे माइक्रो लेवल से लेके हर चीज एक सिस्टम में चल रही है, तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स को चलाने वाली कोई तो पावर होगी ना। तो वो सोचें कि वो हाँ कौन होगा, ये बड़ी सोच, ध्यान, ज्ञान की बात है, लेकिन ये कि बड़ी सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको आप सोचने बैठते हैं तो आप परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आपके सारा सिस्टम कोई चला रहा है। अब हम कहते हैं ना कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अब मानने लग गए हो, अब तो मानने लग गए मानने लग गई हो ना? हाँ, बस अच्छी बात है, मान लो। इवन जितना ज्यादा मैंने थोड़ा सा स्टडी कुरान भी करोगी, पढ़ा है, कुरान भी ओ पढ़ा दैट्स है ग्रेट, अभी वंडरफुल, हिंदी में, जो आता जबरदस्त। है ना ऐप पे जो आता है अच्छा अच्छा कुरान, हिंदी अच्छा कुरान, वो थोड़ा बहुत पढ़ा है। और गीता, हमारे में गीता होती है, तो मैंने वो भी पढ़ी है थोड़ी सी। अब मैं सोच रही हूँ सारा खत्म करके बाइबल भी पढ़ूंगी, आप और देखो, जो बड़ी अच्छी कुर्बानी बात है, मुझे होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप सब पढ़ो। हम बहुत दफा ऐसा होता है कि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का जो रिलीजन है शायद वही बेस्ट है। नहीं, आप सब चीजें नहीं, ऐसा पढ़ें नहीं और उसके बाद है। पढ़ के जो आपको सही लगे उस रास्ते पे चलें,
और बट रिसर्च ऑल पॉसिबल रिलीजन आपको लगता है कि आप पढ़ सकती हैं और आपकी दस्तरस में आपकी एक्सेस में है, आप जरूर पढ़िएगा और फिर आपको जो लगे उस रास्ते को आप जरूर फॉलो कीजिएगा. बट डू बिलीव इन गॉड, डू बिलीव इन गॉड, राइट? हाँ, अब करती हूँ मैं। अब वैसे मैं मंदिर वगैरह जाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती, बट एज अ कि हाँ घूमने के लिए जैसे मैं नहीं, काफी एक ही जगह बड़ी गई हूँ। अब जो करंटली जो है जब जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, या मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार हैं कि उनको बिलीव नहीं करते इस चीज के ऊपर कि कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई भगवान है. लेकिन अब ये नई जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आप जरूर पढ़िए, जरूर अपनी किताबें भी अब पढ़िए, दिल्ली आई कुरान है, भी. बिल्कुल, दिल्ली तो मैं बहुत रहा हूँ, अब कनॉट जामा प्लेस मस्जिद, के पास. जी, जामा मस्जिद. मैं दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं गया हूँ, क्यों? वो लेकिन तो यहाँ का सबसे बड़ा वो है। अरे अच्छा नहीं, वहां नहीं जा सका मैं, लेकिन दिल्ली में दिल्ली बहुत में रहा हूँ. आए और आप जामा मस्जिद नहीं गए? सबसे फेमस मस्जिद है यहाँ का, अच्छा, सबसे ओ फेमस, अच्छा, हाँ बहुत बिल्कुल दर्शन बिल्कुल बिल्कुल. ये जो हमारी बात चाहिए, बिल्कुल, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, नहीं, जो मैंने कहा शायद पुरानी गया. दिल्ली के पास है, हाँ, पुरानी दिल्ली पुरानी के पास दिल्ली है, के पास। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और एक और है निजामुद्दीन का दरगाह। नमाज निजामुद्दीन वाली का दरगाह, जी वहां भी गया. हाँ दरगाह, वो ये दोनों यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंजीनियरिंग, फाइनल सेम है मेरा, प्लस अच्छा. मैं एज टीचर हूँ एनजीओ में, जो इस्लामिक स्टूडेंट्स नहीं होते हैं अच्छा, ये आप उनको बड़ा अच्छा काम कर रही हैं. विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कोई भी ओह चार्जेस मैं वंडरफुल नहीं वंडरफुल, देती, ऐसे पढ़ाती हूँ। और अभी अभी न्यूली मेरा, मतलब पहले पढ़ाती थी थोड़े दिन पहले, फिर अब मैंने दोबारा अप्लाई किया है। एसके फाउंडेशन करके है एनजीओ मेरे, उसमें भी है, और मैं चाहती हूँ लोग उससे और ज्यादा जुड़े, जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है, कि जो हमारे स्लम स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं अफोर्ड कर सकते पेरेंट्स, पढ़ाई वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मिले, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। और हर बिल्कुल बिल्कुल. स्टूडेंट को ऐसा ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ऐसा होता है कि नहीं उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है. हाँ, स्पेशली इस्लाम्स के जो बच्चे और होते हैं. हाँ. हाँ, तो मैंने अभी अप्लाई किया था, उसका मैंने एग्जाम दिया, देन मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा क्रैक हो गया। मेरे को टीचर नहीं है, पता नहीं क्यों, और मेरे को शुरू से इंटरेस्ट है, शुरू से ही इंटरेस्ट है। और लोग, मतलब मैं कॉलेज में भी थी तो मेरा ये था कि मेरी, सब बच्चों ने ली थी इंग्लिश, वो हिंदी ली थी ग्रेजुएशन में, फाइनल सेम फाइनल ईयर था मेरा तो हिंदी ली थी, मेरे पास इंग्लिश थी। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सूट पहना था, तो मैं गई क्लास में, सब मेरे को देख के खड़े हो गए, गुड अच्छा. मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। वो बहुत ऑफर सिचुएशन थी, और मतलब वो लोग, उन्होंने बोला कि लग भी ऐसे ही रहा कि टीचर है, तो मेरे को फिर और अंदर से भी इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर मैंने वही ज्वाइन करा। अब मेरा अच्छा. दोबारा से फाइनली मैं दोबारा फिर उसी एनजीओ में सोच रही हूँ अपने ना सीख के, फिर मैं खुद का एनजीओ चाहती हूँ, अच्छा, लेकिन गुड गुड टीचिंग गुड. लाइन में, क्योंकि पढ़ाई, मेरे को लगता है ना कि पढ़ाई से आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्टडीज से आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइफ में हर चीज साथ छोड़ देती है, स्टडीज कभी नहीं छोड़ती आपका साथ, वो आपकी रहेगी, हमेशा आपकी रहेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट को हक मिले, राइट मिले, अपना पढ़े। बस आप कहते हैं करना कि हाँ, जब मैं अपना एनजीओ खोलूँ बस कोशिश करना कि मेरा अच्छे से हो, मतलब प्रे करना मेरे लिए गॉड जी से। हाँ ठीक है, आप भी कीजिएगा गॉड जी से, ठीक है? मैं तो करूंगी, मैं तो तो करूंगी, इसका अब तो मतलब है कि आपके करूंगी। अंदर जो है ना, आपके अंदर गॉड का जो है ना, वो एक वो एहसास है, ठीक है? वो एक अच्छी बात है. चाहे आप कितना ही ना माने, लेकिन अंदर उसने अपनी एक ज्योत जो है ना आपके अंदर जगाई हुई है, तो वो एक बड़ी प्यारी चीज है, ठीक है? तो और वो मैं बड़ा वापस आ माफ करने जाऊंगी वाला आपके, है, तो देखूंगी। और जो गॉड है ना, वो बहुत माफ करता है अपने बंदों को. तो वो कभी आप गलती करते हैं, जिस तरह हम पेरेंट्स होते हैं ना, आप कह रही हैं, तो हम कहते हैं कि जो अल्लाह है वो अपने बंदों को माँ से भी 70 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है. तो वो अपने बंदों को बहुत ज्यादा प्यार करता है. कोई गलती हो जाती है, कुछ आप नहीं उसको मानते और आप वापस उसको मानना शुरू कर दें, तो बड़े प्यार से आपको अपनी बाहें खोलेगा और आपको आपको अपने पास बुलाएगा. ऑल्दो ये एक टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ मैं, कि बाहें खोलना मतलब ये कि हम नहीं कहते कि गॉड की बॉडी है, बट वो आपको अपने पास उसी तरह बुलाएगा जिस तरह माँ अपनी बाजू खोल के आपको अपने पास बुलाती है. सो प्लीज स्टार्ट एक मेरा बिलीविंग इन क्वेश्चन गॉड. है, या
मतलब हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, लाइक हर उस पे शोज बनते हैं. मैंने एक चीज नोटिस की है आपके मतलब पाकिस्तान में, कि सारे जो मतलब फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो मॉमडन्स का ही होता है. ऐसा क्यों? क्या होता है? फैमिली बैकग्राउंड जो दिखाते हैं ना फैमिली का, हाँ वो हाँ मॉमडन्स का ही दिखाते हैं. लाइक हमारे यहाँ पे ऐसा होता है मतलब कि मुस्लिम्स का दिखाते हिंदू हैं। का, अच्छा, हाँ हाँ, हिंदू इसलिए का, कि मुस्लिम का, इसलिए कि ऐसे ही इस्लाम होता पाकिस्तान में बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है, क्योंकि आप जनरली जब आप सीरियल्स बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई भी, तो वो आप जो आम लोगों की कहानियां होती हैं उन्हीं की बनाते हैं ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें। है. यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो मेजोरिटी है, वो मुस्लिम्स की है, तो इसलिए हमारे सीरियल्स बने हैं बहुत सारे जो कि हिंदू सेक्ट के ऊपर भी बने, हिंदू रिलीजन के ऊपर भी बने हैं और मैंने तो अभी क्रिश्चियनिटी तक के भी यही बने नहीं हैं। देखा. ओके, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। अभी एक चल रहा था किसी चैनल पे, सीता भागड़ी, और बट मेरे इस यहाँ तो यहाँ पे तरह। ऐप ऐप वगैरह सपोर्ट ही नहीं करते हैं. हाँ, अब ये एक अलग मसला। हाँ मैंने करे थे डाउनलोड, बट हुआ ही नहीं. वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं. वो शो करते कि आपके कंट्री में अलाउड नहीं है अच्छा वगैरह अच्छा हाँ, वगैरह. या हम हाँ आया मैंने ये तो है, देखे कुछ थे हमारी भी डाउनलोड. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जब देखना चाहते हैं इंडिया की, तो वो यहाँ नहीं नजर आ रही होती है। वो कहते हैं कि यहाँ के भी नहीं हाँ, करती लाइक बहुत सारी हॉटस्टार चीजें। वगैरह. नहीं, हॉटस्टार का तो मुझे नहीं पता, मैं इतना ज्यादा ये OTT और ये वाली चीजें होती हैं, मैं नहीं अभी तक इन पे ज्यादा कुछ मेरा वो है, लेकिन अच्छा यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि जी ये इस कंट्री के लिए अलाउड नहीं है, कि आपके रीजन के लिए अलाउड नहीं। चलिए, एनीवेज, इट वाज अच्छा लवली टॉकिंग टू यू जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और मेरे को हम एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. लीजिए लीजिए। थैंक यू वेलकम, टेक केयर, बाय। नहीं मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी. थैंक अच्छा, यू. चलिए, आज फाइनली हो गया ना। ओके बाय बाय. बाय गुड बाय, नाइट. गुड नाइट।